फ्रीलांसिंग ले लो, फ्रीलांसिंग ले लो। तो आजकल सोशल मीडिया पे फ्रीलांसिंग बहुत बिक रही है, और अगर आप भी ऐसे बच्चे हो जो ये फ्रीलांसिंग बेचने वालों के चक्कर में फंस रहे हो, अपना करियर खराब करने वाले हो, तो 5 मिनट दो और ये वीडियो देख लो मेरे छोटे भाई, ये वीडियो जो है तुम्हारी जिंदगी बचा लेगी। देखो, मैंने ना जॉब करते करते फ्रीलांसिंग की थी, फ्रीलांसिंग से ही मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, तो मैंने काफी फ्रीलांसिंग की है। इतनी की है कि मैंने अपने घर का डाउन पेमेंट फ्रीलांसिंग करके दिया था जॉब करने के साथ में। फ्रीलांसिंग की दुनिया मुझे पता है, मैंने की है, मैंने जीती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एज अ करियर फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप बोलोगे भैया एकदम से फ्रीलांसिंग की वीडियो क्यों बना रहे हो? एक लड़का है, एक सेकेंड, हाँ एक लड़का है ऋतिक, उसका डीएम आया था कि भैया मैं ना आपसे कोडिंग सीख रहा हूँ और मुझे कोडिंग के बाद फ्रीलांसिंग करना है। तो जेन्युइनली क्यूरियस मैंने पूछा, कोडिंग तो सही सोचा तुमने बट फ्रीलांसिंग क्यों सोच रहे हो? तो उसने मुझे बोला, भैया आप सोशल मीडिया नहीं देखते क्या? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो भैया सोशल मीडिया पे तो सबको ही है, जितने इन्फ्लुएंसर्स है बस यही कहते हैं कि फ्रीलांसिंग करो, अपना जॉब बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपने पैसे बनाओ, किसी और के लिए काम मत करो। और भैया उनके लाइफस्टाइल भी कितना सही है, भैया गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, मुझे भी वही लाइफस्टाइल चाहिए भैया। और भैया उनका तो बस यही कहना है कि फ्रीलांसिंग इज अ फ्यूचर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम सही सोच रहे हो, थोड़ा 5 मिनट से बात कर लेते हैं। तुम क्रिकेट देखते हो? तो बोला हाँ भैया। क्रिकेट कौन नहीं देखता इंडिया में? बहुत अच्छी बात। जेई दिया था क्या? तो बोला भैया जेई कौन नहीं देता इंडिया में? का बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हें जेई भी पता है, क्रिकेट भी पता है, तो फ्रीलांसिंग में करियर बनाने के पहले थोड़ा जेई और क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताओ ऋतिक, जेई में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? तो ऋतिक ने बोला भैया 10,000 के आसपास होते होंगे। बिल्कुल सही, 10,000 लोग जेई में सेलेक्ट होते हैं। 10,000 के 10,000 लोगों की जॉब लग जाती है? बिल्कुल लग जाती है। और थोड़ा क्रिकेट के मॉडल को देखते हैं, क्रिकेट देखते ही होगे तुम, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं इंडिया में? लाखों लोग खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इन लाखों लोगों में कितने लोग क्रिकेट से ढंग का पैसा बना पाते हैं? वो सोचने लगा, तो मैंने उसे बोला सोचो, रणजी में कुछ 200-500 लोग होते हैं, नेशनल टीम में 20 लोग और आईपीएल में 50-60 लोग, तो चलो बहुत ही तुमने मेहनत कर ली, स्ट्रेच ही कर लिया, तो 750 लोगों की जिंदगी बनती है। ऋतिक क्या बोलता है मुझे, पर भैया ये भी तो सोचो कि विराट कोहली को कितने पैसे मिलते हैं? तो बिल्कुल सही बात कही तुमने, विराट कोहली को पैसे बहुत मिलते हैं, पर तुम एक फील्ड के टॉपर को दूसरे फील्ड के एवरेज से कंपेयर कर रहे हो। इंजीनियर की बात कर लेते हैं, सचिन बंसल को कितने पैसे मिलते हैं? सचिन बंसल इंजीनियर है, बहुत अमीर है। सचिन बंसल अपनी कंपनी में विराट कोहली से ऐड करवाता है। और जरा एक बार ये भी सोचो कि विराट कोहली बनने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम में होकर भी मन का खाना नहीं खा पाता, दिन रात बेचारा मेहनत करता रहता है, और पीक परफॉर्मेंस के लिए उसको इतने सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, वर्सेस एक एवरेज इंजीनियर जो आराम से बिना इतने फिजिकल मेंटल सैक्रिफाइसेस किए 1-2 करोड़ की सैलरी कुछ ही सालों में पा जाता है। तो समझो कि क्रिकेट जैसे फील्ड में आपको कितना ज्यादा जुनून चाहिए, कितनी ज्यादा श्रद्धा चाहिए आपको विराट कोहली बनने के लिए। और इंजीनियरिंग में आपको इतने जुनून की जरूरत नहीं है, कोडिंग में इतने जुनून की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाती चीजें। कोई भी और करियर जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं, वहां पे आपको इतना जुनून होने का जरूरत नहीं पड़ता। तो तुम अपने आप से पूछो ऋतिक कि तुम सच में इतने जुनूनी हो क्या? तुम्हें सच में तुम सब कुछ छोड़ के 24/7 अपना फ्रीलांसिंग करियर बनाना चाहते हो क्या? क्योंकि अगर तुम वो करते हो तो उसके टॉप में शायद गोल्ड है, बहुत सारा है, पर अगर उतना ही जुनून तुम सही करियर पे लगाते हो तो उससे भी कई ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ऋतिक बेचारा अभी भी कन्विंस नहीं हुआ। अब वो क्या बोलता है, बट भैया बाकी चीजें भी तो हैं, आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हो, बाकी चीजें भी कंपेयर करो। बिल्कुल करते हैं, बताओ क्या कंपैरिजन है। तो बोलते हैं भैया फ्रीडम के बारे में क्या? फ्रीलांसिंग के तो वर्ड में ही फ्रीडम है भैया, जॉब में तो कैसे बॉस की गालियां सुननी पड़ती है। थोड़ा तो बुरा लगा यार, हम भी तो इतने साल जॉब किए थे, फिर आंसर सुना मैंने क्या दिया। देखो जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना ऋतिक, तब ऐसा होता है कि हम अपने खराब जॉब को किसी के अच्छे फ्रीलांसिंग करियर से कंपेयर कर रहे हैं। बट अच्छे करियर में, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, कोई मुझे परेशान नहीं करता था, कोई बॉस डांट नहीं लगाता था, कोई बॉस गाली नहीं देता था, काम आता था, काम करते थे। बॉस का काम होता था कि काम सही से आपके पास लाना और आपको हेल्प करना प्रायोरिटाइज करने में। तो अच्छे जॉब्स में फ्रीडम काफी ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम नहीं होती। फ्रीलांसिंग में भी भाई अगर तुम्हें खराब क्लाइंट मिल गया तो वो तुम्हें नाच नचा देगा, बिल्कुल इतना परेशान करेगा, तुम्हें बैड माउथ कर सकता है, तुम्हें खराब फीडबैक दे सकता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में तुम्हारी रेटिंग खराब कर सकता है, बहुत सारी चीजें बुरी जा सकती हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर इंसान को किसी ना किसी से
answerable तो होना ही पड़ता है, चाहे वो आपका बॉस हो जॉब में या आपका क्लाइंट हो फ्रीलांसिंग में। तो ये जो बात है ना कि I'll be my own boss, ये सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ऋतिक ने बेचारा बहुत सोचा, एक तो लड़के में बात है, बहस अच्छे से करता है, तो फिर क्या बोला मुझे कि भैया देखो चलो ठीक है बॉस नहीं है, पर टाइम तो है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ, महीनों बिना काम के भी रह सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ टाइम तो है। ये बात भी तुमने सही कही, फ्रीडम ऑफ टाइम तो है, लेकिन फिर से हम देखते हैं रियलिटी क्या है। पूरी दुनिया तो 9 to 5 जॉब कर रही है, तो आपके क्लाइंट्स भी 9 to 5 जॉब कर रहे होंगे, तो जब आपके क्लाइंट 9 to 5 कर रहे होंगे, मंडे टू फ्राइडे कर रहे होंगे, तो आपको भी उनके साथ काम करना होगा। एसिंक काम मुश्किल होता है मिलना। फिर से मैं बोलूंगा, विराट कोहली की कहानी मत सोचो, सबकी कहानी सोचो। एक आदमी को हो सकता है एसिंक काम मिलता हो, वो कहीं भी घूम सकता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा, छोटा सा परसेंटेज है, राइट, इतना छोटा सा। वैसे तो तुम्हें रिमोट जॉब्स भी मिल सकते हैं प्रोग्रामिंग करियर में, जहां तुम अपने हिसाब से अपना काम करो और डिलीवर करो और बीच में 1-2 घंटे सिंक कर लो, बट ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही माइन्यूट हैं। तुम एवरेज के हिसाब से अपना लाइफ देखोगे तो तुम्हें क्लाइंट के साथ 9 to 5 काम करना ही पड़ेगा। मैं हूं, अभी मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे साथ एक बंदा है पुलक, जो हमारा ब्रांडिंग और डिजाइनिंग के काम करता है, वो भी सुबह 9 बजे से शाम के 7-8 बजे तक आराम से हमारे साथ काम करता है। फ्रीलांसर ही है, अपनी एजेंसी ही है, काफी बड़ी एजेंसी है, इनफैक्ट काफी पैसे लिए उसने ब्रांडिंग करने के, इनफैक्ट के, पर वो काम तो हमारे साथ हमारे आवर्स में ही करता है ना, क्योंकि अगर तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो यू कैन नॉट सपोर्ट देम आउट ऑफ ऑफिस आवर्स, क्योंकि हमें भी तो आराम करना है 9 to 5 के बाद। तो ये भी एक मिथ है कि फ्रीलांसिंग में तुम्हें लगेगा ना कि तुम कभी भी काम कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तुम्हें काम अपने क्लाइंट के हिसाब से करना पड़ता है। तो ऋतिक क्या समझा तुमने? तो ऋतिक ने बेचारा एकदम मायूस होकर ऐसे ऐसे करके उसने मुझे बोला कि भैया ये तो समझ में आया कि फ्रीलांसिंग में काम तो क्लाइंट के साथ ही करना है, तो क्लाइंट तो बॉस होता ही है और टाइमिंग भी उसके हिसाब से लगानी पड़ती ही है, तो ज़्यादा चॉइसेस नहीं रह जाते। तो ऋतिक की तरह मुझे लगता है आप भी समझ गए होंगे कि फ्रीलांसिंग जो है बहुत अच्छा करियर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर और वीडियोज़ बनाएं, फ्रीलांसिंग को और ब्रेक डाउन करें, तो आप कमेंट में हमें बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें।